और संकल्प करवाने के बाद सीधे आप लोग रास्ते से देख सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम आ चुके हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर, जो कि देख सकते हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के बाहर में काफ़ी कवरिया लोग आराम कर रहे हैं और काफ़ी कवरिया लोग जा रहे हैं दोस्तों। हम भी अभी खड़ा है दोस्तों, जो कि हम भी किसी का इंतज़ार में लगे हुए थे तो अभी तक आया नहीं है। और जो कि अभी रात को बज रहे हैं 12 और 12 बज चुके हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा हुआ था, तो हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर में। और ये देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, जो कि पार्किंग लॉट है, इसी में सारे कवरिया लोग आराम कर रहे हैं। और कुछ लोग कवरिया लोग खाने पीने के लिए गए हुए थे मार्केट में, और मार्केट में खा पी करके जैसे ही वापस लौट रहे हैं वो भी आराम करेंगे। और सुबह पहर जल लेकर के देवघर की ओर कांवर लेकर के निकल जाएंगे दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में खाने पीने के लिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगा हुआ था। जो कि खाने पीने के बाद दोस्तों हम लोग भी स्नान करके गंगा जल लेकर के कांवर में भर करके दोस्तों हम लोग निकल जाएंगे देवघर की ओर दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों, काफ़ी कवरिया लोग रेलवे से स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं, जो कि समय हो रहा था 12:00 हो रहा है दोस्तों, जो कि हम लोग देवघर निकलने की, जो कि हम लोग पैदल यात्रा है दोस्तों, इस वजह से काफ़ी भीड़, काफ़ी समय लग सकता है दोस्तों। इधर अभी हम पहुंच चुके हैं चौक पर, जो कि रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर चौक है, तो हम लोग इसी चौक पर खड़े हैं, जो कि सामने में दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि गंगा घाट है। अब देख सकते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। इसी गंगा घाट पर स्नान करके दोस्तों गंगा जल भर करके निकल जाएंगे देवघर लेने के लिए दोस्तों। अभी हम और वंदना जी दोनों एक साथ में खड़ा हैं, जो कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी तक आया नहीं। और हम लोग खाना पीना खा के रेडी हो चुके हैं और गंगा जी काफ़ी ज़्यादा उफान पर हैं। देख सकते हैं कितना गीला है दोस्तों, जो कि अभी आप लोग को दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और गंगा जी कितना तूफान में जा रहे हैं दोस्तों। और आस पास के जितने भी गाँव हैं गंगा नदी के किनारे, काफ़ी गांव डूबा हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों गंगा घाट के मेन द्वार हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अब देख सकते हैं कैसे लुक कैसे करके लोग जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आर्टिफिशियल गेट बनाया गया है। और इधर सामने भी देखिए दोस्तों, जो कि टेंट समयाना गाड़ा गया था, जो कि प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पानी भर गया था, ज़्यादा हो गया था दोस्तों, इस वजह से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। और हमें जल उठाने से पहले ब्रश व्रश कर लेते हैं दोस्तों, जो कि दोनों ब्रश व्रश कर रहे हैं। और अब और भी कवरिया लोग ब्रश कर रहे हैं। अब ब्रश करने के बाद दोस्तों हम लोग निकलेंगे जल लेकर के सीधे देवघर की ओर, जो कि उससे पहले स्नान ध्यान करना है दोस्तों। इधर देखिए काफ़ी लोग का भीड़ लगा हुआ है और काफ़ी कांवर सजाने के लिए काफ़ी सामान बिक रहा है, डिब्बा डुबी, जिसमें गंगा जल लेना है और कांवर को सजाना है, इसी जगह से लोग सजवा रहे हैं, और नहीं तो मार्केट से आप लोग सजवा सकते हैं। अब चलिए बरस, ये भी देखिए बरस कर रही है वंदना जी, जो कि बरस दोनों कर करके स्नान करेंगे दोस्तों। और इधर देखिए हम लोग बरस कर लिए हैं, बरस करने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं घाट पर। अगर स्नान करने के बाद संकल्प वगैरह भी करवाना होता है दोस्तों, संकल्प के बिना ही अधूरा है गंगा जल। इधर देखिए दोस्तों मेन गेट हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी गंगा जी का पानी बहुत भरा हुआ है दोस्तों, काफ़ी हद से ज़्यादा। जब मैंने गया तो देख करके डर गया था दोस्तों, बट कोई नहीं, सारे लोग स्नान कर रहे थे। और देखिए कितना भीड़ है इस जगह पर, तो कुछ लोग संकल्प करवा के वापस लौट रहे हैं, जो कि देवघर जाने के लिए निकल गए हैं दोस्तों, जो कि रात्रि को 12:01 दोस्तों। तो देखिए कैसे कैसे लोग संकल्प करवा रहे हैं। और इधर सामने में देखिए गंगा जी कितना उफान पर आए हुए हैं दोस्तों, देखिए कहाँ तकला पानी भरा हुआ है। और नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना भीड़ है इस जगह पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों कांवरिया लोग का, काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़। देखिए गंगा नदी कितना उफान पर है, जो देख सकते हैं, क्योंकि रात्रि का समय है तो कुछ दूर तक दिखाई नहीं देगी, बट लाइट के वजह से कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितना नदी तूफान पर। इधर देखिए तैराक जो भी नाव पर बैठे हुए हैं, जो सब तैराक किसी तरह का डूबने उबने पर ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि नदी भी काफ़ी ज़्यादा तूफान गंगा नदी दे रखा है। अब इधर देखिए कांवरिया लोग अपना अपना कांवर सजा करके बैठे हुए हैं और संकल्प करवा रहे हैं कुछ लोग। अब इधर देखिए काफ़ी कांवरिया लोग जो आ रहे हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, और हम भी चलते हैं गंगा स्नान कर लेते हैं दोस्तों, और गंगा स्नान करने के बाद आप लोग से मिलते हैं दोस्तों। हम लोग गंगा स्नान कर लिया, गंगा स्नान करने के बाद दोस्तों हम लोग निकल गए हैं देवघर के लिए, जो कि संकल्प जल उठा करके
पीठ पे पीछे टांगे हुए जल, और जल को उठा करके हम सीधे निकल जाते हैं देवघर के लिए, और मिलते हैं आपको लोगों देवघर में। देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हम लोग अभी देवघर से संकल्प वगैरह पूरी तरह से करवा लिए, और संकल्प करवाने के बाद सीधे आप लोग रास्ते से देख सकते हैं। देवघर निकलने के लिए पैदल यात्रा है, जो कि गाड़ी से नहीं पैदल यात्रा कर रहे हैं, देवघर तक जाएंगे पैदल, जो कि कितने देर में पहुंचते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। अभी देखिए देखिए कितना भीड़ जा रहा है, काफ़ी भीड़ है दोस्तों, और हम लोग दोनों संकल्प करवा के निकल गए हैं अभी देवघर के लिए। और इस जगह से सुल्तानगंज का सीमा समाप्त हो रहा है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं साइन बोर्ड पर देवघर की दूरी कितना लिखा हुआ है, 110 किलोमीटर है, और बासुकीनाथ 155 किलोमीटर, जमुई 75 किलोमीटर है दोस्तों। और हम लोग निकलते हैं इस जगह से क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेट हो रहा है, जो कि सुबह होते होते जो कि जितना रात में चला जाएगा दोस्तों उतना दिन में नहीं चला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाता है, इस वजह से रात्रि में ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा दूरी सफ़र करें, कम समय में ज़्यादा दूरी सफ़र करें दोस्तों। अब देख सकते हैं काफ़ी कवरिया लोग आगे आगे चल रहे हैं, ये देखिए मंदना बम जो कि आगे आगे चल रही है, हम पीछे से वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग 15-20 किलोमीटर आने के बाद थक गए थे दोस्तों, तो हम लोग एक होटल में रुक गए जो कि हम लोग चाय पीने के लिए, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था दोस्तों, बारिश भी हो रही थी और थक भी गए थे दोस्तों, तो हम लोग चाय पीने के लिए अभी एक होटल में रुक चुके हैं, जो कि ज़्यादा रास्ता में काफ़ी सारा होटल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा होटल मिलता है दोस्तों। इस जगह सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तकला होटल खुला हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग रात्रि में रुक करके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज करते करते चाय भी पी लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चाय पीने के बाद फिर से निकल जाते हैं दोस्तों देवघर के लिए, जो कि सुबह का समय हो चुका है। देख सकते हैं सुबह का समय 5 बज चुके हैं, देखिए दिन मॉर्निंग का समय में देख सकते कितना उजाला हो गया है, हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं देवघर के लिए। नारा लगाते हुए जो कि देख सकते काफ़ी लोग नारा लगा रहे हैं, और नारा लगाने से दोस्तों हौसला बुलंद होता है, तो नारा लगाते हुए हम लोग निकल जाते हैं। और इस जगह से डायरेक्ट सुइया पहाड़ रुकना है दोस्तों, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है इस जगह से सुइया पहाड़ के, और हम लोग कितना तेज़ी में जा रहे हैं दोस्तों, जो आप लोग देख ही सकते हैं पैर की स्पीड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी में हम लोग जा रहे हैं। और इस जगह से सीधे हम लोग नारा लगाते हुए सीधे सुइया पहाड़ पर ही रुकेंगे, सारे लोग रुकेंगे सुइया पहाड़ पर। और बारिश भी हुई थी रात में, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई दोस्तों, जो कि 4-5 बजे तक का कंटिन्यूस बारिश हुई, भींग भांग भींगते रहे दोस्तों, देखिए सारे कपड़ा हम लोग का भींगा हुआ है, तभी को हौसला बुलंद है दोस्तों, जो कि बाबा की नगरी में जा रहे हैं देवघर, बाबा जी बाबा का दर्शन करने के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए। और देखिए कितने तेज़ी में सारे लोग चल रहे हैं, जो कि इन लोग का उड़ान है, इस जगह से मात्र 20 किलोमीटर बचा हुआ है सुइया पहाड़, तो सुइया पहाड़ पर हम पहुँच चुके हैं जलेबिया, जो कि देवघर जाने में मिलता है जलेबिया, तो हम लोग नज़दीक में पहुँच चुके हैं, मात्र इस जगह से 500 मीटर की दूरी है, वो भी धीरे धीरे घटते ही जा रहे हैं, हम लोग करीब जा रहे हैं, जो कि देवघर तो अभी काफ़ी दूरी है दोस्तों, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर भीड़ भी है कांवरिया लोग का, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर भीड़ है भाई, कहना मुश्किल है कि कितना कांवरिया भी देवघर के लिए जा रहे हैं, और हम भी इसी लाइन में जा रहे हैं, जो कि अभी खास अभी प्रॉपर जलेबिया मोड़ पर खड़ा है हम लोग, देखिए जलेबिया मोड़, और इधर देखिए बम जी लाठी पर आ गए हैं अभी दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकावट, जो कि 55 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं अभी, और काफ़ी धूप भी कर रखा था, जो कि इतना ज़्यादा गर्मी कर रखा था दोस्तों कि कहना मुश्किल था, बट कोई नहीं, भोले बाबा की कृपा है तो हम लोग पार कर भी जाएंगे, क्योंकि आज अभी जस्ट जलेबिया मोड़ पर पहुँचे हैं, आते आते हालत हम दोनों का देख सकते हैं कि किस तरह का हो गया है, जो पैर का हालत देख सकते हैं और इसका पैर का हालत देख सकते हैं दोस्तों, डंडा पर आ गए अभी 55 से 60 किलोमीटर और जाना है,
उसके बाद दोस्तों कितना किलोमीटर में लाइन लगाया गया है देवघर में वो पता नहीं, क्योंकि दोस्तों लास्ट 4 दिन बचा हुआ है, 4 या 3 दिन बचा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह तक जल्द जल्द हार दें, बट कोई बात नहीं है, इतना भी जल्दी नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे, जैसे कि मेरे साथ में भी है तो वो भी साथ में चल रही है, तो थोड़ा सा धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है इस वजह से। क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा होगा कैमरे में देख कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इतना भीड़ है दोस्तों कि देख कर चलना पड़ा। कैमरा देखूँगा दोस्तों तो किसी बम का जल इधर गिर जाए या कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दूर से हम लोग गंगा जल भर करके सुल्तानगंज से अभी ला रहे हैं, तो समझ सकते हैं। इधर देखिए लाल बाबा आश्रम, जो कि जलेबिया मोड़ देख सकते हैं, जलेबिया मोड़ पर लाल बाबा का आश्रम बना हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहने सहने के लिए हैं, रह सकते हैं, जो कि कोई कॉस्ट नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ मोबाइल चार्जिंग करने के लिए पॉइंट दिया गया है। देखिए ये जलेबिया मोड़ के मोड़ पर हम आ चुके हैं, देखिए निःशुल्क सेवा है, जो सिक्किम का सिक्किम बोल रहा सेवा शिविर है नाम, और ये देखिए निःशुल्क सेवा है जलेबिया मोड़ में। ये देखिए जलेबिया मोड़ के सिख पॉइंट पर खड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चलते चलते काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है और किसी भी हालत में हम लोग शाम होते ही पार कर जाना है। पार करने के बाद दोस्तों फिर सुइया पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो सुइया पहाड़ जब चढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोगों को दिखाएंगे कि सुइया पहाड़ देवघर जाने में जो सुइया पहाड़ होती है वो किस तरह का होता, हो सकता है कि रात हो जाए उस जगह पर पहुँचते पहुँचते, बट आप लोगों को कोशिश करूँगा कि दिखा पाऊँ, क्योंकि दोस्तों काम हो जाएगी तो पता नहीं लाइट लगा हुआ रहेगा तो ज़रूर दिखाऊँगा, बाकी दिन जैसा क्लियर आप लोग को दिखाई नहीं देगा। देख सकते कांवर कंवरिया लोग कितना भीड़ है, कितना कंवरिया आगे चले गए हैं दोस्तों और हम अभी पीछे में हैं साथ में लेकर के, बाकी कोई बात नहीं, यहाँ तो 24 घंटा भीड़ रहता है दोस्तों, ये नहीं है कि अब आगे वाले चले गए तो हम पीछे से कैसे जाएंगे, ये चीज़ इस जगह पर नहीं है। 24 घंटा कांवरिया जो बम होते हैं बोल बम वाले, जितने भी बम जी होते हैं 24 घंटा कंटिन्यूस चलते रहते हैं, और रोड जो देख रहे हैं ना ये स्पेशल सिर्फ कंवरिया लोग के लिए बनाया गया है, ये जो रोड दिखाई दे रही है स्पेशल कंवरिया लोग के लिए बनाया गया है, और जो गांव घर के लोग जो पक्कीकरण है रोड का जो अलग रोड है दोस्तों, ये सिर्फ निकाला गया शॉर्टकट रास्ता बनाया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि जाने में बहुत सहूलियत हो रहा है दोस्तों और गर्मी तो बहुत ज़्यादा कर ही रखा है सबका हालात, समझ सकते हैं कि 55 किलोमीटर पैदल चलना आप तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत है, और हम लोग का पैर में पूरा दर्द हो गया, सूजन हो गया, इस वजह से बैंडेज हम लोग भी लगा लिए हैं, आओ तो देख रहे हैं डंडा लेकर के चल रही है, क्योंकि आराम विश्राम करना। चलिए आप लोग को सुइया पहाड़ जब चढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोग को दिखाएंगे जलेबिया, जलेबिया मोड़ को, जलेबिया तो दिखा दिए हैं जो यहाँ पे जलेबिया मोड़ बोलते हैं उस जगह पर, आप लोग को दिखा दिए कि किस तरह का जलेबिया है, हम लोग जलेबिया से पार कर गए हैं अभी, देख सकते हैं कि जलेबिया से पार कर गए हैं अभी, अब आएंगे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद, 10 से 12 किलोमीटर के बाद आने वाला है सुइया पहाड़, आप लोग को उस जगह का भी वीडियो दिखाएंगे। अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,